कानपुर। राहुल गांधी द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणियों के कारण उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों में विरोध भी व्याप्त हो रहा है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समाज को लेकर विवादित बयान देने के कारण प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इसी कड़ी में आज भी रोड स्थित लेनिन पार्क में भाजपा पिछड़ा मोर्चा कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष अनुभव कटेहार के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया कि देश में 130 करोड़ की आबादी है जिसमें सबसे ज्यादा सहभागिता ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में ओबीसी समाज पर राहुल गांधी द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसका समाज विरोध कर रहा है। पहले भी राहुल गांधी के अपशब्दों पर सरकार ने एक्शन लिया और माफी मंगवाई है, अब भी अभद्रता करने पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी जी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किया गया, जो ओबीसी समाज का अपमान किया गया, उस अपमान को लेकर आज हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा देश भर में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का जो हमारा आदेश है उसका हम सभी ने अक्षरशः पालन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कानपुर उत्तर ने आज यहाँ पर पुतला दहन किया है। इसमें हमारे साथ हमारे प्रदेश के जो हमारा नेतृत्व है, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री जयप्रकाश जी भी उपस्थित हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए कि ये पुतला फूंककर क्या मांग रखते हैं? मांग सिर्फ ये है, देखिए जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को चोर बताया था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, तब भी उनसे माफ़ी मंगवाई थी। उसके बाद राफेल वाले मुद्दे पे भी राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने का काम किया था, लेकिन अब की बार जब उन्होंने जो ये कुकृत्य जो किया है इस पर जब उन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो मैं तो ये मानता हूँ कि ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है। आज ओबीसी समाज इस पूरे देश की जो 130 करोड़ की जनता है उसमें 60 करोड़ की भागीदारी रखता है, तो मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े और डिसाइडर वर्ग की इस तरीके से अवहेलना करना ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सोच को दर्शाता है। और इससे एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, तो इनसे इस तरीके के काम की उम्मीद भी करी जाती। आज केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे देश प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पुतला दहन करके राहुल गांधी का, जो ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिस कारण से उनको कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है, उनकी सदस्यता गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पिछड़ों का अपमान, मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का विश्वास जनमानस में हम सब लेके जाएंगे। राहुल गांधी ने और कांग्रेस सरकार ने जो विदेशों में हमारी भारत की साख को गिराने का कुत्सित प्रयास किया है, निश्चित रूप से 2024 के जनादेश में भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। पुतला फूंककर किस तरीके का आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी ने जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, जिस कारण से माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ निर्णय दिया है और निर्णय में इनकी अयोग्य, इनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, निश्चित रूप से देश के अंदर, जनमानस के अंदर माननीय मोदी जी के प्रति एक आस्था और विश्वास है। उस आस्था और विश्वास के साथ हम जनमानस के जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों को लेके पहुँचते हैं। और जो विदेशों में हमारी भारतीय जनता, जो विदेशों में राहुल गांधी जी ने हमारे देश का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है, निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और देश चाहता है माफ़ी, देश के सामने वो माफ़ी मांगे।